नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है मिठुन भाई। तो देखिए, यह सवाल जो है ना हमारा सोशल साइंस का है। आपको देखिए एग्जाम में दिया जाता है 2 घंटा और 45 मिनट का समय, जिसमें आपको कुल 100 क्वेश्चन को बनाना होता है। देखिए 80 ऑब्जेक्टिव इसमें, ठीक है, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 40 बनाना है, ठीक है, 40 बनाना है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सवाल सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी ध्यान से देखना और आंसर बताना, ठीक है। देखो सवाल है पहला हमारा, जारबेरिन एक संस्था थी किस प्रकार की? तो आपको याद रखना है या व्यापारियों की संस्था थी, राइट आंसर भी होगा। अगला सवाल देखिए, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है तुर्की को कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल को चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 3 नंबर, क्या है कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो आपको याद रखना है कॉमरेड का प्रकाशन जो किया था ना, मोहम्मद अली जी ने किया था, तो राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल को देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आपको याद रखना है औद्योगिक क्रांति जो है ना, यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, तो आपको याद रखना है राइट आंसर ए में। चलिए अगला सवाल को देखिए, 5 नंबर, अंकोरवाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है अंकोरवाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में अवस्थित है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस प्रकार से एक निशान बना होगा उस पर आप सभी टैप करके अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक शेयर कर दो, जिससे वह सभी क्लास में आके जुड़े, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्या है 6 नंबर, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है ना वह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 दिसंबर 1932 में हुआ था, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब हुआ था? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हुआ था, राइट आंसर सी होगा हमारा, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भारत में वित्तीय वर्ष हुआ था, आपको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 8 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। सवाल जो है हमारा, गिरमिटिया मजदूर जो है किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, राइट आंसर हमारा ए होगा, बी ए होगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर सवाल, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम चाइना में हुई थी, यानी रुपया का शुरुआत, ठीक है। अगला सवाल है 10 नंबर, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना को इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, ठीक है। छापा खाना मतलब जहाँ पर पेपर छपता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था, गुटेनबर्ग के साथियों ने किया था, तो राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, आई होप हम मुझे पता चल रहा होगी आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को, यस करना, ठीक है, समझ में आ रहा है तो यस करना आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है इनमें से? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें सभी होगा, क्यों होगा? क्योंकि पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला सभी से हम विद्युत प्राप्त करते हैं, यानी खाना पका सकते हैं, ठीक है, तो हमारा इनमें से सभी होगा। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? कृषि कार्य बिहार में कितनी प्रतिशत संख्या जो है वह कृषि में कार्य अभी कर रही है? तो आपको याद रखना है करीब कितना, तो 80% बिहार की मजदूर हैं जो कृषि करते हैं, बिहार के लोग, ठीक है, और 20% ही किसी प्रकार का क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी दो व्यापार करते हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, 13 नंबर है, ठीक है, 13 नंबर ध्यान से देखो, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आपको याद रखना है या जो हमारा आंसर होगा ना मुद्रा होगा, ठीक है, रुपया को कहा जाता है मुद्रा। तो विनिमय का यानी आप लेन देन की किस चीज़ से ज़्यादा करते हो, तो रुपया से करते हो, रुपया देते हो तो उसके बदले में सामान लेते हो, उसी को हम लोग विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कहते हैं, ठीक है, मुद्रण होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग आप देखेंगे, हमारा अगला सवाल आ रहा है, ध्यान से देखना हमारा 14 नंबर से होगा, ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, और आंसर बताने का प्रयास करो, जितना आंसर बताओगे आपका माइंड फोकस होगा, ठीक है, और याद होगा, क्योंकि एग्जाम आप सभी का नज़दीक है, आप सभी बोलते हो ना कि याद नहीं होता, याद करो, देखो ध्यान से सुनेगा और क्वेश्चन का आंसर जितना बताने का प्रयास करेगा तुम लोग उतना याद होगा। चलो 14 नंबर सवाल देखो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना वह कब हुआ था, आपको याद रखना है 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में। वही आपसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो इसमें आपको 10 साल जोड़ देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है? कौन सा वन है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से? तो आपको याद रखना है सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन का उपयोग ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल, यह क्वेश्चन आपको ज़्यादा ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, 16 और
15 और 16 नंबर नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन लेना। देखो 16 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, किस देश में? तो आपको याद रखना है भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है ना अधिक है, किस देश में है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना है श्रीलंका में, ठीक है? राइट आंसर हमारा सी होगा। तो अगला सवाल देखिए, द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन है? द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन होगा? तो कोयला होगा, ठीक है? कोयला राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है 18 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, यानी भोपाल गैस कांड जो है कब हुई थी? तो आपको याद रखना है यह 3 जनवरी 1974 ईस्वी में हुआ था भोपाल में, ठीक है? भोपाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसमें किस प्रकार का गैस का कांड हुआ था? तो आपको याद रखना है क्या? नाइट्रोजन गैस का, ठीक है? नाइट्रोजन गैस का। चलिए ठीक है ना, 18 नंबर का हमारा आंसर भी होगा, बी होगा। अरे अरे बी होगा, 18 नंबर का हम गलत बता रहे हैं ना, 18 नंबर है बी होगा। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था भोपाल में, ठीक है? आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 19 नंबर है, ठीक है ना? भूकंप केंद्र के उद्वाटर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? देखिए क्या है, भूकंप केंद्र के उद्वाटर यानी ऊपरी पृथ्वी की जो सतह है उस केंद्र का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है उस केंद्र का नाम जो होगा ना हमारा, क्या नाम होगा जल्दी से कमेंट करो, तो होगा नाम भूकंप केंद्र, ठीक है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग, 20 नंबर। अरे मुझसे गलत हो जाता है तो आप सभी कमेंट करके बता देना, सही होगा तो मैं आप रिप्लाई दूंगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो आपको याद रखना है या जो है ना बांग्लादेश को कहा जाता है बाढ़ का देश, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कावल झील किस जिला में स्थित है? तो आपको याद रखना है कावल झील बेगूसराय में है। क्या राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है? बी होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, आप लोग ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है? ऊपर करके देखेंगे, 22 नंबर होगा ना, 21 नंबर हमारा हो चुका है, तो 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस प्रांत में क्या है सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस देश में सीढ़ी जिस प्रकार से आप सभी देखे होंगे छत पर चढ़ने के लिए उस प्रकार से बना हुआ रहता है, किस देश में किया जाता है खेती? तो इस प्रकार का खेती जो है ना उत्तराखंड में किया जाता है, पहाड़ी इलाकों में, आपने देखा होगा कभी वीडियो में, ठीक है? सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल को देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है तारापुर में, क्या होगा? तारापुर राइट आंसर हमारा जो होगा ना डी होगा, क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल को देखिए, 24 नंबर, भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह नर्मदा पर होगा, किस पे होगा? नर्मदा पर नहीं होगा ना, अरे ये जो है ना समतल पे होगा, ठीक है? समतल पर अवस्थित है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, हमारा है 25 नंबर सवाल, ठीक है? ध्यान से देखना 25 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने क्षेत्र में है वन का फैलाव? तो आपको याद रखना है यह जो है ना 7% में, यानी 7% में है, राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन क्या है मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से मानव जनित आपदा जो है वह कौन इनमें से नहीं है? तो महामारी मानव जनित आपदा नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा हो जाता है, ठीक है? तो चलिए अगला, मानव जनित आपदा नहीं है इनमें से सभी, सांप्रदायिक दंगे और क्या आतंकवाद, चलो सही है ना, सही होगा महामारी, ठीक है ना, सही होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं, 27 नंबर, ठीक है? अगर अलग गलत होता है तो आप लोग बताओ, ठीक है? गलत होता है तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? चलो 27 नंबर देखो, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को जो है ना यह रखा गया, आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो राज्य सूची में रखा गया है शिक्षा, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग शिक्षा होता है, ठीक है? तो अगला सवाल को देखो, बिहार में पंचायतों राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है पंचायत में? तो आपको याद रखना है या जो है ना कुल 50% महिलाओं का आरक्षण है पंचायत के सीटों में, ठीक है? जो कहते हैं ना राज्य चुनाव जो होता है मुखिया सरपंच का, उसमें, ठीक है, 50% महिलाएं इसमें खड़ा हो सकती है, भाग ले सकती है। अगला सवाल को देखिए, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आपको याद रखना है यह राजस्थान से शुरू हुई थी, राजस्थान से, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए,
भारत में कौन सी दलिया व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की दलिया व्यवस्था है, तो यहाँ पर बहु दलिया व्यवस्था है, ठीक है ना, बहु दलिया व्यवस्था हमारे भारत में है, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, ठीक है, कमेंट करना आप सभी, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला सवाल को देखिए, देखना ध्यान से क्वेश्चन, थोड़ा दिखेगा आपको नहीं, ठीक है। देखिए 31 नंबर है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे अधिक है, या क्वेश्चन दो बार आया तो बताओ आप लोग किसकी है, तो आपको याद रखना है किसकी होगी, श्रीलंका की होगी, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी होगा। अगला सवाल देखो, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो यह पर्यावरण की सुरक्षा के योग से चलाया गया था, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाया गया था, राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला सवाल को आप लोग देखना और आंसर बताना, ठीक है, 33 नंबर होगा। चलिए आप देखिएगा, आप दिखेगा आप लोगों को, वहाँ थोड़ा मुड़ गया था पेज फोटो खींचने में, ठीक है। देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रमाणिक संस्था कौन सी इनमें से है, तो कौन सी होगी इनमें से, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आपको याद रखना है या स्विट्जरलैंड में है, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, हमारा 35 नंबर सवाल होगा, ध्यान से देखना 35 नंबर, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है, कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है हमारा जो देश है ना इनमें से जो होगा वह हमारा बेंगलुरु जो है या सूचना के लिए प्रौद्योगिक क्षेत्र बन गया है, ठीक है, केंद्र बना है। 36 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कौन है, तो आपको याद रखना है इनमें से जो हमारा राइट आंसर जो होगा ना वह होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है व्यापार को नियम को स्थापित करने वाली संस्था, ठीक है, तो कोई संस्था ही अभी तक नहीं बनी है, ठीक है, व्यापार को स्थापित करने वाला, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, नहीं बना हुआ है ना इनमें से आरबीआई, ठीक है, आरबीआई बना हुआ है, आपको याद रखना है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई आपको पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लो, इनमें से ऑप्शन दिया नहीं ना, नहीं दिया है, MSF नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, 36 नंबर का देख लो, चलिए ठीक है, नहीं दिया है, तो हमारा 37 नंबर आप सवाल होगा, देखो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आपको याद रखना है भारत में जो ना यह हुआ था 1993 SB में, ठीक है, 1993 SB में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो कितना लगेगा, तो आपको याद रखना है क्या याद रखिएगा, तो करीब 10 रुपया रखता है, ठीक है, 10 रुपया। अगला सवाल देखिए, सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी आता है समुद्र में, ठीक है, समुद्र में सुनामी आता है, 39 का हमारा राइट आंसर जो होगा ना बी हो जाएगा, ठीक है, बी होगा 39 का, अरे 39 कह रहा है ना, 39 है, ध्यान से देखो तो आप लोग, सुनामी यानी कि समुद्र में आता है, सही है, ठीक है, सही है हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है ना ध्यान से देखना आप लोग, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है यह जो कहलाएगा ना हमारा अधिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हमारा 42 नंबर होगा, थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से 42 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम इनमें से कौन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा, तो आपको याद रखना है लेगुड़ मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है, राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किससे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है इनमें से किससे है, तो आपको याद रखना है हमारा दूध उत्पादन से होगा, दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध को चेक करने के लिए किया जाता है ऑपरेशन फ्लड का, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 44 नंबर, थोड़ा छोटा करते हैं, 44 नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा ध्यान से, देखो ध्यान से 44 नंबर सवाल है हमारा, SHG का विस्तारित रूप बताइए, ठीक है, SHG का विस्तारित रूप इनमें से क्या होगा, तो याद रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा SHG का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मनरेगा परियोजना क्या है, मनरेगा
योजना अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो आपको याद रखना है इसमें कुल 100 दिनों के लिए रोजगार दी जाती है। राइट आंसर हमारा ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा 46 नंबर होगा। ध्यान से देखो, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखना, 27 नंबर, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए जिस पर फसल उगता है, तो क्या याद रखना है आपको, 7 होना चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे 7 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर। ध्यान से देखो, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, इनमें से भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो मुंबई आपको याद रखना है। भारत की पहली राजधानी जो थी ना मुंबई थी, लेकिन अभी के समय में वर्तमान में पूछे तो दिल्ली याद रखना है आपको। ठीक है, वर्तमान में पूछे तो दिल्ली, और वित्तीय में पूछे यानी वर्तमान ना दे तो आपको याद रखना है मुंबई में। ठीक है, 48 का बी होगा, राइट आंसर भी होगा रे। देखो तो 48 का मुंबई ही होना चाहिए, मुंबई थे। ठीक है, मुंबई ही होगा। चलो अगला सवाल को अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है ना इधर से शुरू होगा। ठीक है, चलो हमारा 46 नंबर से 49 नंबर सवाल अब होगा। ध्यान से देखना आप लोग, आंसर बताना। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद क्या है, 40 किस से संबंधित है, अनुच्छेद 40 में किस प्रकार का दिया गया है सुरक्षा, तो किस प्रकार का दिया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें क्या दिया है, रुक जाओ ध्यान से, गौ हत्या निषेध। गौ को जो हत्या करता है, गौ को मारता है, गाय को, वह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जेल जा सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह सवाल फिर आ गया, तो आपको याद रखना है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए हो जाएगा, 50 का। ठीक है, आपको याद रखना है, अरे रुक जाओ, शराबखोरी नहीं, यही होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा, 50 है ना, 50 का। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है ना हमारा, रुक जाओ इसको ऊपर करेंगे थोड़ा, तब ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, चलो अब आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है यह जो है ना आंध्र प्रदेश के हुआ था नेल्लोर, नेल्लोर जिले से प्रारंभ। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल देखिए, मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है, मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सभी का। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, किस प्रांत से शुरू हुआ था ताड़ी विद्रोह आंदोलन, तो आपको याद रखना है यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यह राजस्थान से हुई थी, राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा है 55 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था, सूचना का अधिकार जो है इसका कानून कब बना था, तो 2005 में बना था, आपको याद रखना है क्या, 2005 में बना था, राइट आंसर भी होगा। अगला सवाल देखिए, नेपाल, इसको मिटाते हैं, नेपाल में वर्तमान समय में कौन सी शासन प्रणाली स्थापित है, अभी के समय में नेपाल में किस प्रकार का, तो आपको याद रखना है लोकतंत्र वहाँ पर अभी शासन है, लोकतंत्र का, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, 57 नंबर, क्या होगा, 57 देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के प्रमुख अंग इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन प्रमुख अंग होगा, तो आपको याद रखना है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार दोनों होगा, तो दोनों को मिलाकर हम जो जब करेंगे तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है ना, सी में देखिए ए और बी दोनों दिया है, तो राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र इनमें से कौन है, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र इनमें से कौन है, तो याद रखना है कृषि, राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, NABARD की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, कब हुई थी इसका, तो आपको याद रखना है क्या, क्या याद रखिएगा आप लोग, तो आपको याद रखना है 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, स्थापित। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, 60 नंबर, 60 नंबर सवाल है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, अरे यार कितना बार सवाल आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना, बार बार जो सवाल आया समझो सवाल महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को 1935 में हुआ था, राइट आंसर भी होगा। अगला सवाल देखिए,
कौन बीमारू राज्य नहीं है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य जो हमारा इनमें से नहीं होगा ना वह कौन होगा, कर्नाटक नहीं होगा। तो राइट आंसर आपको सी में मानना है। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत इनमें से कौन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें सभी, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला और क्या है, विद्युत, यह सभी है। ठीक है, तो डी होगा राइट आंसर। पहले भी यह क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में हम बताएं। ठीक है, तो अगला सवाल को देखिए क्या होगा, 63। ठीक है, 63 देखिए, तो हमारा है सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी किस स्थान पर आएगा, तो आपको याद रखना है समुद्र में सुनामी आता है। ठीक है ना, समुद्र में आता है। चलिए अगला सवाल रखिए, चक्रवात के केंद्र में वायु दाब क्या होता है, चक्रवात तूफान जो आता है उसमें केंद्र में वायु का दाब जो है वह क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है वह हमारा निम्न कहलाता है, निम्न ताप। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 65 नंबर, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 5 क्षेत्रों में। ठीक है, 5 यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, हमारा होगा 66 नंबर, 66। देखो, हेम रेडियो को कहा जाता है, हेम रेडियो को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या, एमेच्योर रेडियो कहा जाता है, एमेच्योर रेडियो। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अगला सवाल देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इनमें से कौन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इनमें से कौन होगा, तो आपको याद रखना है सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, और वर्तमान समय में आपको दे दे तो आपको मोबाइल याद रखना है वर्तमान समय में, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आपको सार्वजनिक टेलीफोन ही मानना है, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग, अगला हमारा होगा ध्यान से देखो 68 नंबर। ठीक है, 68 नंबर हमारा सवाल होगा, ध्यान से आप लोग देखना। देखो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, पहले जूमिंग कर लेते हैं उसके बाद हम लोग करेंगे सवाल। देखो, चलो, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो कौन होगा, आपको याद रखना है भूकंप प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है, भूकंप राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 68 नंबर का। ठीक है, सी होगा, अरे गलत होगा, क्या कह रहे हैं लोग, जो क्वेश्चन सुनते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, यानी प्राकृतिक द्वारा होता है, तो यही हमारा सी आंसर ही होगा। ठीक है, भूकंप ही होगा, अरे आग तो लग जाता है, कोई इंसान भी लगा सकता है। ठीक है, तो हमारा 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 68 का। ठीक है, तो याद रखना। अगला सवाल देखिए, 69, 1905 में, रुक जाओ इसको मिटाते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लेकिन किसने किया था, तो याद रखना आपको कर्जन ने किया था, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, बी होगा। अगला सवाल देखिए, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, साइमन आयोग किस वर्ष भारत में लौटा था, तो 1928 ईस्वी में, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, 71 नंबर होगा हमारा, ध्यान से देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय के पहले अध्यक्ष जो थे ना हमारे, कौन होगा, WBC बर्जनी। ठीक है, WBC बर्जनी राइट आंसर भी होगा। अगला सवाल देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 73 नंबर देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारा सभी बनता है, ध्यान से देखना 73 नंबर और जवाब दो जल्दी से। देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण से किया था। ठीक है, चंपारण से ही प्रथम आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी का। ठीक है, 73 नंबर का हमारा राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखिए, हिंदू समाज, हिंदू स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, किनके द्वारा, तो आपको याद रखना है बाल तिलक गंगाधर के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 74 का सी होगा। अरे नहीं होगा, आपको याद रखना है क्या, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, मोहनदास करमचंद यानी महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा 75 नंबर होगा, ध्यान से देखना, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, किस राज्य में खनिज का सबसे ज़्यादा भंडार है यानी उत्पाद है, तो आपको याद रखना है असम में। ठीक है, असम हो जाएगा, राइट आंसर ये। 76 देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो आपको याद रखना है क्या रखिएगा, जल्दी से आप लोग 76 का आंसर बताइए, 76 का याद होगा आपको, दिगबोई में है। ठीक है, दिगबोई में, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 77 नंबर हमारा होगा, ठीक है ना, 77 नंबर ध्यान से देखना और आंसर बताना, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होगा ना क्या होगा, एंट्रासाइट। ठीक है ना, एंट्रासाइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 78 नंबर होगा, भारत में ज्वार की खेती
सबसे अधिक कहाँ की जाती है, ठीक है। ज्वार की खेती भारत में सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, यानी ज्वार का मतलब होता है जौ, जय जो जिसे आप लोग कहते हो देहाती भाषा में, वह किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में की जाती है, यानी कि मुंबई में, ठीक है, राइट आंसर याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा लास्ट सवाल होगा आप, ठीक है, लास्ट सवाल है, जैसे भी ध्यान से देखो, छोड़ना नहीं आप लोगों को वीडियो, ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है। चलो अगला सवाल है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, यानी रेशम कीड़ा जो पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उसे क्या कहा जाता है, सैलिक लालचर, ठीक है, सैलिक लालचर राइट आंसर हमारा भी होगा। अगला सवाल देखिए, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कॉफ़ी का अधिक उत्पादन जो हमारा होता है ना असम में होता है, असम में नहीं होगा रे, कर्नाटक में होगा, ठीक है, राइट आंसर आपको सी याद रखना है, कर्नाटक में। तो चलिए दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी हम लोग दे देंगे फ्री में, ठीक है, पीडीएफ का कोई रुपया नहीं लेंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे, आपको चाहिए तो बोलना, और मेरा नंबर देख लो, ये मेरा नंबर है शो हो रहा होगा आप सभी को, ध्यान से देख लो, हमारा ये है नंबर, लास्ट में 95 है, रुक जाओ फिर से लिख दें क्या, रुको इस कलर पर दिख भी नहीं रहा होगा, रुक जाओ लिख दे रहे हैं, देख लो हमारा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हो, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, और क्वेश्चन आउट होता है तो हमारे ग्रुप में सबसे पहले आता है तो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, चलिए हम वीडियो को तब तक कट कर लेते हैं, चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।